हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मेरे इस किचन में आप लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज और एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए आप लोग वीडियो आगे तक देखते रहिए। आज मैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो नारियल है ना, मेरे ससुर जी लाके दिए थे घर से, जब हनसिंह का बर्थडे था तभी लाके दिए थे। तो अभी इसका रेसिपी बना लेते हैं। ये पहले हम लोग छोटा छोटा करके काट लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नारियल मैं पूरा बारीकी से काट ली हूँ। अभी चलिए हम लोग फ्रिज से और एक इंग्रेडिएंट ले आते हैं। फ्रिज से हम लोग और एक इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। ये पूरा मेन इंग्रेडिएंट है, रुकिए मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बताइए तो ये क्या है। ये है फ्रेंड्स पूरे पके हुए बनानास। ये घर के बनानास थे तो इसके पूरा पक गया था, तो मैंने सोचा इससे कुछ रेसिपी बना लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फेंक ही देंगे हम लोग। पूरा पके हुए बनाना तो हम लोग खाने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे डिश बन जाता है। तो मैंने सोचा आज इससे एक रेसिपी आप लोग बना के शेयर करूँ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ उसके लिए हमको चाहिए चावल के आटा। तो मैं इसको ऊपर से निकाल रही हूँ, रुकिए इधर रख देती हूँ साइड पे। अब यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। तो रुकिए मैं डब्बा से इसको खोल लेती हूँ। देखिए मैंने खोल लिया है, अभी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। ये देखिए भैंस, अभी मैं यहाँ पे इसको निकाल लूंगी। ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 कप अंदाजे से ले ली हूँ। हाँ, हो जाएगा ये फ्रेंड्स। यहाँ से मैं अभी गुड़ निकाल लूंगी। ये देखिए, ये चीरा लगे हुए थे, चीरे के अंदर डाले थे ना, इसलिए अभी यहाँ से मैं ऐसा 2 निकाल लूंगी। ये तीन से हो जाएगा। ये देखिए मैं गुड़ निकाल ली हूँ, अभी इसको हम लोग बारीकी से काट लेंगे। अभी फ्रेंड्स, इस चावल के आटे पे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, मैं गुड़ का ना छोटा छोटा करके यहाँ पे काट लूंगी, चावल के आटे के ऊपर पे काट लूंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो नारियल हम लोग काट के रखे थे उसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये बनाना को छील लेंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा छिलके हो चुका है, अभी इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ब्लेंड करके हो चुका है, अभी हमें यहाँ पे डाल दूंगी चावल के आटे के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डालूंगी। आप लोग हो सके तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि गुड़ की मिठास है और केले की भी मिठास है, लेकिन मैं थोड़ा डाल दी हूँ क्योंकि मीठा ज्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैं डाली हूँ। आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा मिक्स कर ली हूँ। अभी यहाँ पे और एक इंग्रेडिएंट डालना बाकी है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी। ये देखिए 2 से 3 पिंच मुताबिक आप लोग बेकिंग सोडा डालिए, लेकिन यहाँ पे बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, क्योंकि चावल का चीज है, आप लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा ही डालिए। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी इसको हम लोग थोड़ा 5 से 10 मिनट ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उबालने के लिए पानी रखा हुआ था, क्योंकि वो अभी ड्यूटी से आए हैं तो नहाएंगे, तो इसलिए गर्म पानी चाहिए। तो मैंने यहाँ के उबालने के लिए रख दिए थे, अभी वो उबला हो चुका है। और पीछे देखिए कपड़ा भी धुल रहा है, अभी रात को धो रहे हैं, क्योंकि दिन में क्या हुआ था कि घर के सर्फ ही खत्म हो चुका था और वो भी टाइम नहीं मिल रहा था मार्केट जाने के लिए। तो थोड़ा देर पहले मैं मार्केट से सर्फ लाई, तो अभी कपड़े धो रही हूँ। देखिए एक बकेट तो हो गया है, अभी अंदर है और बाकी का इधर है, क्योंकि आज 4 से 5 दिन से पूरे कपड़े नहीं धुए हैं, तो बहुत सारा जमा हो गया है। तो आगे तक आप लोग देखिए, इसके बाद मैं अभी रेसिपी को स्टार्ट करूंगी। देखिए अभी मैं पैन के ऊपर, क्या बोलो क्या है। हाँ, वेरी गुड। देखिए एरोप्लेन बनाया हुआ है, एरोप्लेन कम शार्प ज्यादा लग रहा है, शार्प ज्यादा लग रहा है। हाँ?
शार्प लग रहा है, शार्प एयरप्लेन भी लग रहा है, शार्प भी लग रहा है। अच्छे से एयरप्लेन बनाओ जाओ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी बर्तन बिठा दी हूँ गर्म होने के लिए। अभी चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। चलिए तो मैं यहाँ से ऑयल ले लेती हूँ, वेजिटेबल ऑयल। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप लोग यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत कम तेल का यूज होता है। देखिए कम कम तेल मैंने डाली हूँ। अभी इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे एक बर्तन डाली हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, वेजिटेबल ऑयल, एकदम आधा चम्मच मुताबिक आप लोग ऑयल डालिए। अभी थोड़ा सा मैंने हीट बढ़ा दी हूँ। अभी जब मैं ये डालूंगी ना ये मिक्सचर, तब इसका हीट थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी। अभी देखिए ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसका हीट मैं कम कर देती हूँ। गैस पे है तो आप लोग गैस को पूरा स्लो कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो मिक्सचर है ना, बैटर है, उस बैटर को डालिए। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लग रहा, और बचत का तो बचत है। अगर मैं केले फेंक देते तो वेस्ट ही हो जाता ना। तो अभी बहुत टेस्टी रेसिपी उससे बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें हम लोग जो ढक्कन है उसको, लीड को हम लोग लगा देंगे। अभी लीड को लगा के गैस एकदम पूरा स्लो कर दीजिए। मैं 100 दी हूँ इंडक्शन में, आप लोग गैस में है तो एकदम स्लो कर दीजिए। अभी इसको छोड़ दीजिए, जैसे हम लोग केक बेक करते हैं उसी तरीके से आप लोग उसको बेक होने के लिए रख दीजिए 30 से 35 मिनट तक। उसके बाद उसको हम लोग फ्लिप कर देंगे। फ्रेंड्स इस ओर मैं आटा भी थोड़ा सा गूंद रही हूँ, क्योंकि रात हो चुका है, रात को हम लोग आज रोटी ही खाएंगे। इस ओर पीठा होते होते मैं इस ओर आटा भी मैं गूंद रही हूँ। अभी मेरा वॉशिंग मशीन से कपड़ा भी धोके हो चुका है, अभी वो मैं निकाल लेती हूँ। ये दो नंबर बार कपड़ा धो के हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद दूसरा डाल दूंगी। अभी इसको मैं डाल दी हूँ धोने के लिए। अभी मैं किचन की ओर चल दूंगी। फ्रेंड्स जब तक मेरा पीठा उस ओर हो रहा है, तब तक मैं रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ा सा सब्जी में काट लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरा पूरा काट के हो चुका है, अभी मैं इसको बना लेती हूँ। फ्रेंड्स दूसरे ओर पीठे को पलटने की टाइम हो चुका है, अभी इसको हम लोग फ्लिप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पूरा सावधानी से आप लोग इसको पलटिएगा। इसको अभी हम लोग होने दीजिए, इसको भी और 5 से 10 मिनट टाइम लगेगा इस ओर होने के लिए। और दूसरी ओर देखिए मैंने पैन बिठा दी हूँ सब्जी बनाने के लिए, ये टमाटर प्याज और मिर्ची का सब्जी बनाने के लिए। अभी यहाँ पे वो गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैं अभी ऑयल डाल दूंगी। अभी मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल दूंगी। फ्रेंड्स ये सब्जी ना रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जरूर बना के एक बार इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए और दूसरा कोई इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, टमाटर प्याज और मिर्ची ही चाहिए, और हल्दी और नमक। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, अभी यहाँ पे मैं ऑनियन डाल दूंगी। प्याज का कलर चेंज हो गया, अभी यहाँ पे मिर्ची डाल देंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, इसको मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे टमाटर डालेंगे। अभी सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसको आप लोग ढक दीजिए और इसको थोड़ा सा गैस को स्लो कर दीजिए। फ्रेंड्स जब तक ये पीठा हो रहा है और जब तक ये सब्जी हो रहा है यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ से रोटी बेल लेती हूँ। तो चलिए रोटी को हम लोग बेल लेते हैं। थोड़ा सा सब्जी
मिला के आती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैं किचन की ओर सब्जी को हिलाने के लिए गई थी, दूसरी ओर हुनसेंग आके क्या क्या कैमरे के सामने बदमाशियां कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हम लोगों का पीठा हुआ कि नहीं। दूसरी ओर मेरा सब्जी पूरा पक चुका है, अभी मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। फ्रेंड्स ये बन के रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा एक बन के रेडी हो चुका है, अभी दूसरे को भी मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस में यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही, और वहाँ पे जो बैटर है उसको हम लोग डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग जो बैटर बना के रखे थे वो आधा जो था उसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिड को लगा लेती हूँ और इसको भी 30 मिनट तक हम लोग होने देंगे। अभी जो पीठा है वो पकते पकते हम लोग क्या करेंगे, अभी रोटी को हम लोग बना लेंगे। तो चलिए इसको रोटी को हम लोग पका लेते हैं। अभी ये लास्ट वाला है, ये भी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है होने के लिए। इधर बन चुका है। ये हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर दिया है, अभी इसको भी मैं रख दूंगी। फ्रेंड्स अभी इस पिठा को हम लोग काटेंगे और आप लोगों के साथ टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लगा है। फ्रेंड्स चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी है ना। कोई कहेगा कि चावल के आटे से और पके हुए केले से पकाया हुआ डिश है। अभी चलिए इसको हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी डिश बन गया है ना, पके हुए केले से, नहीं तो हम लोग उस केले को तो फेंक ही देते थे। तो ये देखिए कितना टेस्टी डिश बन के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना टेस्टी डिश बन के रेडी हो चुका है। अभी चलिए उनसे को उनको टेस्ट करवाते हैं कैसे हुआ है। तो वो लोग फूड्स रूम में है, तो मैं उन लोगों को टेस्ट करवा लेती हूँ। उनसे टेस्ट करो कैसा हुआ है। लो एक ले लो और आप भी लो, फट से लो। ओ पापा ले लो, ले लो, गेम बाद में खेलना, पहले टेस्ट करो। टेस्ट है खुश। और कैसा हुआ है बताओ, मैं भी एक टेस्ट कर लेती हूँ कैसा हुआ है। बढ़िया मस्ती है, वाह। किसका है बोलो तो, क्या दिया है अंदर। कोकोनट और बनाना। मस्ती हुआ है, आप लोग घर पे जरूर बनाइए, बना के आप लोग एक बार खाइए। पके हुए केले को फेंकिएगा मत, ऐसे टेस्टी टेस्टी डिश बना के आप लोग घर पे जरूर खाइएगा। ठीक है, तो पीठा तो बन के रेडी हो चुका है। अभी तो पीठा खाने से तो नहीं हुआ रात को, तो अभी हम लोग खाना भी खा लेते हैं। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो और रेसिपी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो घर पे बनाइए और जरूर खाइए। हाँ अभी चलो खाना खा लो, ये तुम्हारा है, ले लो। हाँ।
ये तुम्हारा बैठो, अभी इधर बैठो, वो वहाँ पे बैठेगा क्योंकि इधर वो देखिए टीवी देख देख के इधर खाएगा, इसलिए उधर बैठा है। इधर बैठने से टीवी नहीं दिखाई पड़ेगा ना, इसलिए भी आ जाओ खाना खा लो। ठीक है, तो हम लोग खाना खा लेते पहले। फ्रेंड्स, मेरा टीवी ऑन था तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।